पुनाना में बीते शनिवार को हुए उपद्रव में संलिप्त दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान पटाकपुर गांव के अरशद व सिंगरहेडी गांव के शाहिद के रूप में हुई है। पुलिस अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना प्रभारी बिलासाराम ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की 5 टीमें कार्रवाई में जुटी हुई हैं। गौरतलब है कि शनिवार को जुनेद की मौत के बाद इलाके में कुछ समाज सेवियों ने न्याय की मांग करते हुए मृतक के शव के साथ पुनाना होडल रोड पर जाम लगा दिया था, लेकिन इसके कुछ देर बाद कुछ शरारती तत्वों द्वारा न केवल पुलिस के साथ मारपिटाई की बल्कि पुलिस की जिप्सी को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुनाना बाजार पूरी तरीके से बंद हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नुहू पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारनिया ने शहर का दौरा कर मौके का मुआयना किया। पुनाना पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में 58 नामजद सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला, सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी बिलासाराम ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत टीवी डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।